कैसी है यारियां सीजन 3 15 मई से वूट ओरिजिनल पे स्टार्ट होने वाला है. प्लीज वॉच इट बिकॉज यू गाइस विल लव इट. सबसे पहले तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी होता है कि फैंस की वजह से एक शो वापस आता है. तो विच एक्चुअली हैपेंड. सो इन सो मेनी इयर्स ऑफ माय करियर दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम जो ऐसा कुछ हुआ है. एंड यू गाइज एक्चुअली मैनेज दैट एंड इट्स लाइक हैट्स ऑफ टू यू गाइज बिकॉज इतने ट्वीट्स और इतने मैसेजेस आते थे रोज. सो यू नो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू दैट व्हेन आई गॉट अ कॉल सेइंग के वूट पे वेब सीरीज है एंड वापस आ रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वॉज एक्साइटेड एंड थ्रिल टू अनदर लेवल कि मुझे न्योनिका वापस प्ले करने मिलेगा. And I said, you better not take anybody else but me. And they were like, yeah, of course, that's why we've called you. It was really exciting. And to get back on the set and meet, you know, Neeti and... Jabki maine sirf actually Neeti aur Parth ke saath hi scenes kiye hain. So to meet them back and to do scenes with them and to see their growth also as actors was awesome. It felt really, really good. So we've done some very, very good work on Kaisi Yeh Yaariaan season 3. वेल मेरे कैरेक्टर में न्योनिका जो आउट एंड आउट नेगेटिव थी ऑफकोर्स नाउ शी इज़ यू नो इट्स बिन अ कपल ऑफ ईयर्स सो यू नो शी इज़ ट्राइंग टू चेंज हर सेल्फ शी वॉन्ट्स हर सन बैक सो शी इज़ ट्राइंग टू विन हर सन बैक तो वो सब कर रही है. बट ऑब्वियसली अभी इतनी जो नेगेटिव कैरेक्टर थी उसमें इतना सडनली इतने चेंजेस तो नहीं आ जाएंगे. सो देर इज़ डेफिनेटली अ हिडन एजेंडा एंड शी वॉन्ट्स मानिक एंड नंदिनी टू बी टुगेदर इन दिस सीजन विच इज़ very very drastic for Neonika because कभी भी वो नहीं ये चाहती थी और इस बार वो ये चाहती है. तो उसके पीछे क्या राज है वो तो आप जब देखोगे तो पता चलेगा. या लाइक नीति एंड आई तो मेट एंड वी वर यू नो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. मतलब जहाँ से हमने वी हैड लेफ्ट वी स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड वी स्टार्ट मेकिंग बूमरैंग्स एंड मतलब हमारी जो मस्ती पहले चलती थी वो ही चलती है. एंड With Manik, it was kind of a different, bond. It was, we actually kind of spoke in between shots and, you know, we kind of got to know each other slightly better than what we used to know. So, like this, the first time in so many years of working with him, I got to know that he's Maharashtrian. I didn't know that. तो मतलब हम बात करते थे पहले भी बट इट ऑलवेज यूज टू बी जस्ट वर्क एंड अच्छा चलो शॉट रेडी है यू नो एंड वी यूज टू गो एंड गिव अ शॉट. बट दिस टाइम वी एक्चुअली लाइक स्पोक टू ईच अदर एंड यू नो तो इट वाज लाइक अ डिफरेंट बॉन्ड दैट वी काइंड ऑफ शेयर्ड ऑन द सेट दिस टाइम. थिएटर भी कर ही रही हूँ. सो आई वुड डेफिनेटली लव टू डू फिल्म्स या बट आई वांट टू डू अ गुड कैरेक्टर गुड रोल जो यू नो भले ही दो सीन्स हों बट एटलीस्ट आप अपनी एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ दिखा सको. ऐसा कोई कैरेक्टर आई वुड डेफिनेटली लव टू डू इट. सो एंड आई एनी वेज लाइक टू डू रोल्स जिसमें यू नो मतलब न्योनिका तो खैर आई लाइक ओनली बट आई लाइक टू डू कैरेक्टर्स जिसमें बहुत कम मेकअप एंड यू नो लाइक वेरी वैसा रियल टाइप कैरेक्टर्स जो होते हैं आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट. नाउ कैसी है यारियाँ फैंस यू गाइज आर लाइक क्रेजी यार. यू गाइज आर मतलब जस्ट लव. यू गाइज आर लव फॉर अस बिकॉज आप लोग हमारा वो शो वापस लेकर आए हो जिसका मतलब जिससे हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. तो आप लोगों का प्यार डेफिनेटली जीता है. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट यू नो कीप शावरिंग दिस लव ऑन अस एंड कीप लविंग अस लाइक दिस एंड वी प्रोमिस यू दैट वी विल गेट सीजन 4. यू नो आपके आपका प्यार होगा तो वी विल डेफिनेटली गेट सीजन 4. बट बिफोर दैट यू हैव टू वॉच सीजन 3 विच स्टार्ट्स ऑन द 15th of May ऑन बूट ओरिजिनल ट्यूजडेज एंड थर्सडेज. वॉच इट एंड गिव अस लव.